दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन में कांग्रेस के पार्षदों के बाद भाजपा के पार्षद भी निगम हॉल में पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन सात भाजपा पार्षदों के साथ निर्दलीय जीते हुए प्रत्याशी भी हैं। कड़े राजनीतिक पहरे के बीच इन सभी आठ पार्षदों को निगम कार्यालय लाया गया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल सहित अन्य पार्टी दिग्गज भी मौजूद रहे। हालांकि निगम हॉल में केवल पार्षदों को ही जाने की अनुमति दी गई है। अंदर का सूरत हाल क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मेयर व डिप्टी मेयर बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। उधर भाजपा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही है। देखना होगा कि निगम की सरदारी पर कौन बाजी मारता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।